स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है आप सभी की बहुत अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। गाइज, यहाँ आप सभी का डिपार्टमेंट रहने वाला है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइज, ये जो बेसिकली वैकेंसी है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आ रही है। यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को पहले से ही बता देती हूँ, आप सभी देखिए वीडियो को स्किप ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आप सभी को जो मेन डाटा होता है, जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लूँगी। उससे पहले गाइज, मैं आप सभी को बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। गाइज, अगर आप सभी ने यहाँ पर डिप्लोमा किया है, हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है। तो यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। साथ में ग्रेजुएट स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट में जैसे अगर आपने BE किया है, या फिर BTEC किया है, या फिर BSc किया है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर गाइस देखिए, आपका जो है वैकेंसी काफ़ी अच्छा निकाला गया है। बट आप लोगों को एक प्रॉब्लम है, देखिए गाइस, जो हमारे स्टूडेंट फील्ड वर्क करना चाहते हैं, एक तरीके से यहाँ पर जो आपका वर्क रहेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी फील्ड वर्क रहेगा। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं तो ही अप्लाई करें। ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं आप लोग, ऑल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, इसके बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो लोकेशन है, बेसिकली लोकेशन इसकी पुणे अहमदाबाद की रहेगी। काफ़ी अच्छी यहाँ पर सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। अब जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसकी मेन यहाँ पर आपकी साइड ओपन कर रखी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ इसकी जो है एक आपको ईमेल आईडी वगैरह भी देखिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी अप्लाई किस तरीके से करना है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको मेन नोटिफिकेशन यहाँ पर दे देती हूँ, जिससे कि आप लोग देख पाएँ कि कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। तो गाइस, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी TVS की तरफ से आ रही है। और देखिए, TVS के बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया भी गया है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि गाइस मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि जो भी कंपनी है जिसके बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ते रहा करें, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये वैकेंसी करती क्या है, मतलब ये कंपनी क्या करती है। TVS ग्रुप जो है वन ऑफ द टॉप 5 फैमिली, मतलब जो है बहुत टॉप 5 कंपनियों में से आता है। साथ में मैं बता दूं, ये जो है एशिया की फर्स्ट कंपनी है। और गाइस, यहाँ पर इसको क्वालिटी जो है अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं, बहुत टॉप MNC कंपनियों में से आती है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फेमस कंपनी भी है। तो गाइस, यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, आपकी पोजीशन जो रहेगी, पोजीशन यहाँ रहने वाली है लैपटॉप इंजीनियर की। गाइस, आप लोगों की यहाँ पर इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स आपने कर रखा है, या फिर उस इंस्टीट्यूट से है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि गाइस, आप जो स्टूडेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, उनको यहाँ पर जो कोर्स इससे रिलेटेड, जैसे लैपटॉप इंजीनियर की जॉब है, तो उससे रिलेवेंट आप लोग का कोर्स वगैरह होगा, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। आपको जो है कॉल और मैसेज यहाँ पर ईमेल आने का, साथ ही आपका डायरेक्ट इंटरव्यू दिया जाएगा। एक्सपीरियंस 0 ईयर, अगर फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखिए, यहाँ आप सभी के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया, 1 से लेके 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। लोकेशन यहाँ पर पुणे रखी गई है, पुणे अहमदाबाद। और सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आप लोग को 1 लाख से 2.5 लाख यहाँ पर एनम आप लोग की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पर वही स्टूडेंट अप्लाई करें, दिस इज़ फील्ड जॉब, यहाँ पर पहले बोल दिया ये फील्ड जॉब है। ओनली वो कैंडिडेट अप्लाई करें जो इधर उधर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। फील्ड जॉब मतलब है इधर उधर बाहर का वर्क कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मे भी यहाँ पर देखिए, लड़कियाँ भी कर दें अप्लाई, बट एक तरीके से यहाँ पर फील्ड वर्क रहेगा, तो हो सकता है गाइस देखिए आप सभी को दूसरा प्रोफाइल मिल जाए। तो इसीलिए अप्लाई करने में ना तो आप लोगों की फ़ीस जा रही है, ना ही आपका इस तरीके से अप्लाई करना है, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करना। साथ में देखिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड रहने वाला L1 या L2 लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर के लिए, क्योंकि गाइस आप लोग लैपटॉप इंजीनियर के कोर्स के लिए जाएंगे, तो लैपटॉप तो रिक्वायर्ड रहेगा ही।
और अगर नहीं भी रहता है तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के पास एलिजिबल नहीं होता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता है लैपटॉप वगैरह, तो कहाँ ज़्यादातर जो है केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है। बट कंपनी बहुत चालाक होते हैं, कंपनी वाले वो लोग इस तरीके से करते हैं, पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आपके पास है या नहीं, एक प्रेशर बना देते हैं लेकर आइए। तो ये वाला प्रेशर जब होता है बंदा ले आता है, जब ले आता उसके बाद जिसके पास नहीं होता तो उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं साथ में। देखिए आप सभी को एक्सपीरियंस है, जैसे कि नॉलेज है, जैसे LCD या फिर मदरबोर्ड, रैम, इन कंपोनेंट्स में लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है। फ्रेशर हैं, अगर आप सभी के यहाँ पर बैकग्राउंड, मतलब यहाँ पर जो है कोई बैकग्राउंड विलिंग लर्निंग अप्लाई सेम है, ठीक है, तो अप्लाई करना, फ्रेशर तो बिल्कुल अप्लाई कर देना। और इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं, दो तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों जगह दे दूंगी, तो वहाँ से दोनों जगह से जाकर ले लीजिए। बाकी जो दूसरा तरीका है अप्लाई करने का वो है ईमेल के जरिए। तो देखिए इन्होंने अपना ईमेल दिया है, ये ईमेल दिया है, इस ईमेल पे जाना गाइस, और ईमेल पे जाकर आप सभी इनको मेल करना। मेल करने के साथ साथ आप सभी हमेशा से जानते हैं कवर लेटर ज़रूर करना, क्योंकि कवर लेटर एक इतना प्रॉफिटेबल चीज़ है आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए कवर लेटर मान लीजिए आप किसी भी स्टूडेंट्स या फिर किसी भी अपने फ्रेंड को क्या करते हैं मैसेज जो है टाइप करके भेज देते हैं, क्या भेजा आपने, मैसेज भेजा प्लस एक फ़ोटो भेजा, तो वो फोटो और डाउनलोड करने से पहले मैसेज को रीड कर लेगा। तो यही रीज़न होता है कवर लेटर का, क्योंकि आप लोग जैसे कवर लेटर में जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग भर देते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है इसे मैसेज फॉर्म में आप लोग सेंड कर देते हैं। तो जब भी आप लोग सेंड करेंगे तो मैसेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसको पढ़ने के बाद अगर जो है HR आपके प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है तो आपका रिज्यूम भी डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब उसके बारे में देखिए हर रिज्यूम डाउनलोड करना पड़े तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, हम भी एक इरिटेशन में आ जाते हैं कि इतना सारा स्टूडेंट मिल गया, इतने लोग का इसका ही क्या करें, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आप सभी के साथ में। और अप्लाई करने की लिंक फिर से बोल रही हूँ, दो तरीके से अप्लाई करना, पहला ईमेल के जरिए, दूसरा लिंक के जरिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो डिस्क्रिप्शन के यहाँ पर मिलने के बाद आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक दी गई है वहाँ पर। जैसे ही आप सभी वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बस वन टैप में करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही प्रोफाइल बना रखी होगी, प्रोफाइल बना लेना आप सभी, आपको कुछ नहीं करना, आपको वन टैप करना है। वहाँ पर लिखा आ जाएगा, यहाँ लिखा आ जाएगा अप्लाई सक्सेसफुली, जैसे ये लिखा आ जाए तो आपका इसका मतलब है अप्लाई हो गया। तो गाइस इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट वैकेंसी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें।